फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, बहुत ज़्यादा पतले हो और जिम जाने के बारे में सोच रहे हो तो शायद आप गलत हो, क्योंकि दोस्त जिम उनके लिए है जिनको मांसपेशियाँ बनाना हो। लेकिन अगर आपको वेट गेन करना है अभी तो आपको अपने डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, न कि जिम पे। दोस्तों, वेट गेन के लिए आपको मेन फोकस जो है आपके डाइट होना चाहिए, आपका जो भोजन होना चाहिए। आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार तो खाना ही आपको, और आप जिम, रही बात जिम की, तो आप घर पर वर्कआउट कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो। लेकिन अभी आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो भी आपके शरीर पे जो भी थोड़ा बहुत मांस है वो भी खत्म हो जाएगा आप जिम जाओगे तो स्टार्टिंग में सिर्फ आप अपने डाइट पे फोकस करो। और दोस्तों, साइंस भी कहता है कि वेट गेनिंग के लिए आपका 50% आपका डाइट मैटर करता है, 25% आपका एक्सरसाइज और 25% आपका रेस्ट। तो आप जो एक्सरसाइज है वो पुलअप्स पुशअप्स घर पर कर सकते हो, लेकिन जिम जाओगे आप वेट लिफ्टिंग करोगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने डाइट पे फोकस करो। अगर आपकी वेट गेनिंग हो जाती है थोड़ी बहुत, उसके बाद आप जिम जाने के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों, ध्यान रहे, मैंने बोला उनके लिए जो बहुत स्किनी है, बहुत पतले हैं। अगर आप एवरेज हो और आपकी बॉडी अच्छी है थोड़ी बहुत, तो आप जिम जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन बहुत पतले हैं, बहुत दुबले हैं, तो आपको जिम नहीं जाना चाहिए, आपको घर पे ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सबसे पहले तो आपको अपने डाइट पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप पहले डाइट पे फोकस करो, आप खाना दबा के खाओ, फोर्स ईटिंग करो, और जब आपको वेट गेनिंग हो जाता है तो आप जिम जाओ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरे कहने का मतलब यही था कि जो बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो पतले हैं, दुबले हैं, और सोचते हैं कि जिम जाने से मेरा वेट गेन हो जाएगा, तो शायद वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिम जाने से वेट गेन नहीं होता, सिर्फ मांसपेशियाँ बनती है, और मांसपेशियाँ तो उन्हीं की बन सकती है जिनके बॉडी में मांस हो। इसलिए फ्रेंड्स, हड्डी पे कबड्डी खेलने की जरूरत नहीं है, और सबसे पहले आप अपने डाइट पे फोकस करो, उसके बाद जिम जाओ, कौन रोक रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।